नमस्कार। सपने में देवी देवताओं का दिखना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपने शुभ स्वप्न देखा है या अशुभ। आप किस देवी देवता को देखते हैं यह इस बात पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। सामान्य तौर पर सपने में भगवान को देखना शुभ माना गया है। आइए जानते हैं कि सपने में माँ काली को देखना कैसा होता है। तो दर्शकों, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं तो सपने में माँ काली का दिखाई देना शुभ माना गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार नकारात्मक शक्तियों का इससे विनाश होता है। यदि कोई बीमार जातक सपने में माँ काली को देखता है तो ऐसा माना गया है कि वह बीमारी से जल्द ही छुटकारा पा सकता है। वहीं यह भी माना गया है कि अगर सपने में माँ काली का दर्शन होता है तो घर में सुख समृद्धि भी आ सकती है। सपने में माँ काली की मूर्ति देखना भी शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे जातकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और आने वाले समय में घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर आप सपने में माँ काली को रौद्र रूप में देखते हैं तो यह स्वप्न भी सकारात्मक स्वप्न माना जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन में संघर्ष के बाद ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर सपने में माँ काली को देखने का बेहद ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। यदि आप सपने में माँ काली की पूजा भी करते हैं तो यह भी एक शुभ स्वप्न है। इसका अर्थ होता है कि निकट भविष्य में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं यह भी माना गया है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा स्वप्न है। अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो इस सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगा। किंतु दोपहर या शाम को सोते हुए आप यही स्वप्न देखते हैं तो सपने का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा और यह स्वप्न एक निरर्थक स्वप्न माना जाएगा। अब मैं अगर उपाय की बात करूँ तो उपाय में आपको सबसे पहले माँ काली की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यह उनका एक संकेत है कि आपको उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आपको माँ काली का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप माँ काली की पूजा करने के बाद आप अपने कोई भी इष्ट देवता है तो उनसे भी आप प्रार्थना करें कि वह आपको आपके सपने का अधिक से अधिक फल प्रदान करें। तो यह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और दर्शकों, कमेंट बॉक्स में माता काली को याद करना ना भूलें। जय काली माता अवश्य ही कमेंट करें। तो राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। राधे राधे।